चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं वेदांता केएन ऑयल एंड गैस और नवरचना महिला विकास ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सावी इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज में लू एवं तापघात से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम को डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पी सी दीपन सहित कई अधिकारियों ने संबोधित किया। अधिकारियों ने लू लगने के लक्षणों, उपचार और बचाव की जानकारियां दी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं वेदांता केएन ऑयल एंड गैस और नवरचना महिला विकास ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सावी इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज में लू एवं तापघात से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम को डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पी सी दीपन सहित कई अधिकारियों ने संबोधित किया। अधिकारियों ने कहा कि सिरदर्द, बुखार, उल्टी होना, अत्यधिक पसीना आना या कमजोरी महसूस होना तो तुरंत आपको नजदीक अस्पताल जाकर चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि ये लू लगने की वजह से हो सकता है। साथ ही कहा कि घर से निकलते वक्त भरपेट भोजन करके ही निकलें, खाली पेट धूप में निकलने पर लू का असर जल्दी होता है। लू लगने पर ORS का घोल, छाछ, घरेलू पेय पदार्थों का उपयोग करें। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक राकेश भाटी ने नर्सिंग विद्यार्थियों को लू, तापघात के लक्षणों और उसके बचाव के घरेलू उपचार की जानकारी देकर विस्तार से समझाया। एक सेंटर होता है, क्या होता है मुझे ध्यान है, बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। तो उसमें क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर एक सीमा तक अपना टेम्परेचर मेंटेन होता है। कार्यक्रम के दौरान लू एवं तापघात की आमजन में जागरूकता के लिए डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर दीपन, डीपीसी राकेश भाटी, राहुल शर्मा, राम्या नायर, लक्ष्मण राम मोसलपुरिया एवं चंद्र प्रकाश द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। वेदांता के अन से राहुल शर्मा ने लू एवं तापघात से बचने के लिए आमजन को विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान वेदांता के अन से राम्या नायर ने भी इसके बचाव और घरेलू उपचार की जानकारी देकर अवगत करवाया। सावी इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मण राम मोसलपुरिया और चंद्र प्रकाश ने जागरूकता कार्यक्रम करवाने के लिए वेदांता के अन का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान नवरचना महिला विकास ट्रस्ट से मांगू सिंह भाटी, रेखा राम चौधरी, लक्ष्मण के साथ नर्सिंग विद्यार्थी उपस्थित रहे।